हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम क्लास 10th का जो टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है उसका ये क्वेश्चन है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके ध्यान में मैं ये बात ले आ दूं कि जो आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ये एनसीईआरटी में नहीं है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये उसमें नहीं है क्वेश्चन। ये आरडी शर्मा या कोई और जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं हमारी, तो उसका ये क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझना है ये क्वेश्चन। और अक्सर ऐसे क्वेश्चंस सीबीएसई का जो सैंपल पेपर या जो फाइनल पेपर होता है उसमें ये क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्वेश्चन आज का पॉलिनोमियल का। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री then find the values of p and q। तो आइए कैसे स्टार्ट होएगा। देखो क्वेश्चन जो है इसमें हम लिखेंगे लेट, हमारे पास ये सोल्यूशन है इसका, लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल टू एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री। ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा। तो हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, दैट इज माइनस बी बाय ए। तो बी होता है कॉफिशियंट ऑफ एक्स, ए होता है कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू रहेगी दैट इज माइनस, बी की वैल्यू यहां पे है माइनस फाइव डिवाइडेड बाय ए, ए है टू। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस फाइव बाय टू। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, तो c है कांस्टेंट टर्म 3, a वही जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, दैट इज अल्फा बीटा इज 3 बाय 2। ये दोनों वैल्यूज हमने रख लिए हैं। अब हम बात करेंगे जो हमें दूसरी पॉलिनोमियल दिया गया है, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो पहले वाले पॉलिनोमियल के डबल हैं, ये हमें कहा गया है। तो यहां पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 अल्फा 2 बीटा be the zeros of the polynomial, कौन सी polynomial के zeros हैं ये, x square plus px plus q के। तो यहां पे हम sum of roots का जो formula है 2 alpha plus 2 beta is equal to that is minus b by a, तो 2 common alpha plus beta is equal to minus, b क्या है यहां पे, b है coefficient of x that is p, coefficient of x square that is 1। तो 2 times alpha plus beta की value यहां से 5 by 2 is equal to minus p, तो 2 से 2 cancel out होके 5 is equal to minus p, that implies p is equal to minus 5। तो ऐसे हमने p की value minus 5 निकाल ली है। अब इसी मतलब जो पॉलिनोमियल है इसी के ऊपर हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो रिजल्ट है वो लगाना है। 2 अल्फा इनटू 2 बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, दैट इज 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी, दैट इज कांस्टेंट टर्म हियर इज क्यू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। तो 4 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू है 3 बाय 2, तो यह आ जाएगा क्यू। तो 2 से 2 2 3 दा 6, तो क्यू इज इक्वल टू 6। ऐसे हमने Q और P दोनों के वैल्यूज हमने फाइंड आउट किए हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेनी है। तो उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।